हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेईई फिजिक्स। आज हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक बढ़िया सा टूल जो है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो हम जानते हैं फ्रॉम कूलम्स लॉ से कि अगर दोनों चार्ज Q1 एंड Q0 आर डिस्टेंस से सेपरेटेड है तो उन दोनों का बीच जो फोर्स होगा F1 = 1/4πε0 Q1 Q0 r2, जो r है इन दोनों का बीच का डिस्टेंस है। और ये फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो Q0 का ऊपर अवे होगा फ्रॉम Q1 चार्ज। अब बात आते हैं कि अगर दो चार्जेस के अलावा और कोई सारे चार्जेस प्रेजेंस होगा तो ये फोर्स का लॉ कैसे होगा। तो ये जो प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल का नाम है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के मुताबिक दो चीज़ नोट करने वाले हैं। एक है कि अगर Q1 एंड Q0 ये दोनों चार्जेस है इसी की तरह, तो फोर्स जो F1 होगा तो वो अगर बहुत सारे चार्जेस उसका आसपास प्रेजेंट है तो वो Q1 और Q0 का जो फोर्स है वो फोर्स का मैग्नीट्यूड में या डायरेक्शन में कोई भी असर नहीं होगा। अर्थात Q1 और Q0 का बीच जो फोर्स है वो यही रहेगा, उसका कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो अब क्या हुआ? और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है तो Q1 और Q0 का बीच जो फोर्स होगा वो F1 होगा, Q2 और Q0 का फोर्स जो वो F2 होगा, Q3 Q0 का जो फोर्स है वो F3 होगा, और Q0 Q4 का बीच जो फोर्स है वो F4 होगा। तो हमें यहाँ पर Q0 चार्जेस पर चार चार्जेस का फोर्स मिल गया कूलम्स लॉ से। और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का जो दूसरा बात है, वो दूसरा बात ये है कि ये अगर फोर्स मिल गया F1, F2, F3, F4, तो ये चारों जो फोर्सेस है, इन चारों फोर्सेस को जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट कहाँ से आएगा? तो रिजल्टेंट होगा वेक्टर एडिशन। अर्थात ये जो चार चार्जेस है, ये चार चार्जेस का जो फोर्स है वो फोर्स का जो वेक्टर सम होगा, वो वेक्टर सम होगा Q0 के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का पूरा बात क्या हुआ? पूरा बात यही हुआ कि अगर दो कोई चार्जेस प्रेजेंस है और कोई चार्जेस नहीं है तो उसका दोनों चार्ज का जो फोर्स होगा, अगर कोई चारों तरफ आदर्श कोई चार्ज प्रेजेंट भी होगा तब भी उन दोनों का जो फोर्स है वो फोर्स अनअल्टर्ड रहेगा। और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि इंडिविजुअल जो चार्जेस का फोर्सेस है, इन जो फोर्सेस आएगा तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? कि रिजल्टेंट फोर्स होगा इन चारों और जितने भी सारे चार्जेस का फोर्स होगा वो सभी फोर्स का वेक्टर सम। तो यहाँ पर देखो कि F1 है Q1 की फोर्स, F2 है Q2 की फोर्स, F3 है Q3 का फोर्स, और F4 जो है वो Q4 का फोर्स है, और चारों फोर्स को हम वेक्टर फॉर्म पे या लिख दिया तो टोटल फोर्स जो रहेगा वो होगा F = इन चारों फोर्स का वेक्टर सम, जिसको हम समेशन की इस सिंबल से भी लिख सकते हैं। तो अब देखो कि अगर दो और चार और पांच चार्जेस है और चारों का फोर्स हमें पता है तो उन फोर्स को हम कैसे जोड़ सकते हैं वेक्टर एडिशन के मुताबिक। तो मान लो यहाँ पर Q0 एक चार्ज है और चार्ज का ऊपर जो दोनों फोर्स है, एक F1 फोर्स और एक है F2 फोर्स। हम यहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस को ड्रॉ कर लिया। तो अब इन दोनों फोर्सेस को जोड़ने के लिए पहले इन दोनों फोर्स को हम कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे, और इसीलिए x एक्सिस और y एक्सिस को ड्रॉ करना पड़ता है। तो F1 जो फोर्स है वो x एक्सिस के साथ जो एंगल है वो θ1 है, और F2 जो फोर्स है वो x एक्सिस का जो एंगल है वो θ2 है। तो पहले वेक्टर का कैसे दोनों कंपोनेंट में बांटते हैं यहाँ से देखते हैं। तो ये है F फोर्स और ये है हमारा y एक्सिस और ये है जो x एक्सिस। तो पहले इन F फोर्स का दोनों कंपोनेंट हमें निकालना है। तो पहले कंपोनेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ये वेक्टर का जो हेड है अर्थात जो टिप पोजीशन है, यहाँ से दोनों परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे। तो यह जो परपेंडिकुलर है ये एक्सिस को इस पॉइंट में काट किया, और इधर जो परपेंडिकुलर है वाई एक्सिस का ऊपर, तो वाई एक्सिस को यहाँ काट किया। तो ये जो डिस्टेंस बन गया, ये डिस्टेंस
इसको हम बोलेंगे कि ये एफ एक्स है और ये जो डिस्टेंस बन गया ये है एफ वाई। एफ एक्स कितना होगा, एफ एक्स होगा एफ कॉस थीटा, क्योंकि देखो कि ये एफ एक्स जो है वो इस ट्रायंगल का बेस है और ये एफ जो है ये हाइपोटेनस है, तो बेस बाय हाइपोटेनस हो जाता है कॉस थीटा और एफ एक्स बन जाएगा एफ कॉस थीटा। सिंपली ये एफ वाई है तो ये भी एफ वाई होगा। तो ये अगर एफ वाई है, ये पारपेंडिकुलर है इस ट्रायंगल का, तो ये एफ वाई है और ये एफ है, तो पारपेंडिकुलर मतलब एफ वाई बाय हाइपोटेनस एफ इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा और एफ वाई जो ये हो गया एफ साइन थीटा। तो हमें दो कंपोनेंट मिल गया एक वेक्टर का एक्स डायरेक्शन में एंड वाई डायरेक्शन में। तो सेम इन द सेम वे यहाँ पर एफ वन और एफ टू का भी हम कंपोनेंट निकाल सकते हैं कि एफ वन का जो एक्स कंपोनेंट है वो होगा एफ वन कॉस थीटा वन, एफ टू का कॉस कंपोनेंट जो है वो है एफ टू एक्स इक्वल टू एफ टू कॉस थीटा टू। ये एफ वन का कॉस कंपोनेंट यहाँ से निकला और ये एफ टू का कॉस कंपोनेंट यहाँ से निकला, तो इन दोनों हो गया एक्स एक्स से डायरेक्शन में एफ वन और एफ टू का कंपोनेंट। सेम वे वाई एक्सिस का डायरेक्शन में एफ वन का जो कंपोनेंट है वो है एफ वन साइन थीटा वन और एफ टू का जो कंपोनेंट है वो है एफ टू साइन थीटा टू। तो एफ वन एक्स ये है एक्स कंपोनेंट और ये है वाई कंपोनेंट। अब देखो कि एक्स कंपोनेंट्स जो है ये एक्स कंपोनेंट्स दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, दोनों ही एक्स डायरेक्शन में, और वाई कंपोनेंट जो होगा वो भी सेम डायरेक्शन में दोनों ही वाई डायरेक्शन में होगा। तो अगर दोनों फोर्स एक्स डायरेक्शन में है तो टोटल एक्स कंपोनेंट क्या होगा, टोटल एक्स कंपोनेंट होगा एफ वन एक्स प्लस एफ टू एक्स। तो हम दो कंपोनेंट को जोड़ लेंगे एक्स डायरेक्शन में। सिंपली जो वाई कंपोनेंट होगा वो होगा एफ वाई इक्वल टू एफ वन वाई प्लस एफ टू वाई। तो y डायरेक्शन का फोर्स भी हम जोड़ लिया। तो हमारे जो फोर्सेस है ये फोर्सेस का हम कंपोनेंट वाइज जैसे बांट लिया तो टोटल जो फोर्स आ गया वो हो गया इधर एक फोर्स आ गया एफ एक्स और इधर एक फोर्स आ गया वो है एफ वाई। अब ये दोनों फोर्सेस परपेंडिकुलर है तो हम इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट जो वो वेक्टर एडिशन का रूल से निकाल सकते हैं कि रिजल्टेंट ये एफ आ जाएगा और वो एफ क्या होगा, एफ होगा रूट ओवर एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। तो ये बन जाएगा दोनों फोर्स एफ। ये हमने आप एक एग्जांपल ले लिया जो एग्जांपल में एक स्क्वायर है, स्क्वायर का साइड है ए और स्क्वायर का चारों कॉर्नर में चार्जेस है जो वो है क्यू है। तो हमें निकालना है कि ये जो क्यू है ये क्यू का ऊपर बाकी जो तीनों चार्जेस है ये तीनों चार्जेस का फोर्स कितना होगा। तो ये फोर्स निकालने के लिए हमें इंडिविजुअल फोर्सेस को पहले फाइंड आउट करना है। तो देखो ये क्यू से ये क्यू का जो डिस्टेंस है वो ए है, ये क्यू और ये क्यू का डिस्टेंस भी ए है और ये दोनों जो डायगोनल पोजिशन में क्यू है तो उसका डिस्टेंस है रूट टू ए। तो हम पहले ये जो इन दोनों क्यू का जो फोर्स होगा तो ये फोर्स इधर आ जाएगा और ये दोनों फोर्स जो है वो फोर्स इधर आ जाएगा। तो ये फोर्स क्या होगा क्यू स्क्वायर, तो ये फोर्स जो होगा एफ और ये जो फोर्स ये भी एफ होगा क्योंकि चार्जेस तो सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, इधर भी चार्जेस जितना है इधर भी चार्जेस उतना है और डिस्टेंस भी सेम है। तो दो फोर्स जो आएगा वो फोर्स सेम आएगा, वो फोर्स का वैल्यू कितना होगा, वो फोर्स होगा वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज़ के इनटू दोनों चार्ज का मल्टीप्लाई क्यू स्क्वायर बाई डिस्टेंस का स्क्वायर ए स्क्वायर।
तो ये हो गया F। अब ये दोनों चार्ज जो है डायगोनल पोजीशन में, इन दोनों का फोर्स थोड़ा सा कम होगा क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है, तो ये फोर्स मान लो ये हमारा F प्राइम है। तो F प्राइम जो है वो होगा K इंटू क्यू स्क्वायर बाई टू स्क्वायर, रूट टू ए का स्क्वायर दैट इज टू ए स्क्वायर। तो ये दोनों फोर्स निकल गया। अब देखो आप ले लो कि हमारा जो फोर्सेस आया है, एक है इधर F, एक तो है इधर F, और F डैश जो आया वो आया F बाई टू। तो इधर आ गया हमारा और एक फोर्स जो है F बाई टू, और F बाई टू का डायरेक्शन किधर है, तो ये एंगल देखो 45 डिग्री होगा, तो ये एंगल भी हमारा 45 डिग्री होगा। तो ये एंगल जो है ये है 45 डिग्री। अब ये F तो x एक्सिस में है तो कोई कंपोनेंट नहीं लेना पड़ेगा, सिमिलरली ये जो फोर्स है ये y एक्सिस में है तो इसका भी कोई कंपोनेंट नहीं लेना होगा। कंपोनेंट जो लेना होगा वो F बाई टू का x कंपोनेंट इधर से इतना आएगा और y कंपोनेंट जो होगा वो इतना सा आएगा। तो F बाई टू का जो x कंपोनेंट होगा एफ एक्स वो होगा F बाई टू कॉस 45 डिग्री मतलब 1 बाई रूट टू, तो वो हो जाएगा F बाई टू रूट टू। और सिमिलरली y कंपोनेंट जो होगा वो होगा F बाई टू साइन 45 डिग्री मतलब 1 बाई रूट टू, और वो भी हो जाएगा F बाई टू रूट टू। तो हमारा एफ एक्स टोटल कितना आया, एक्स एक्सिस में पहले से F फोर्स था और F बाई टू रूट टू ऐड हो जाएगा तो टोटल आएगा F इंटू वन प्लस वन बाई टू रूट टू। और y कंपोनेंट में भी सिमिलरली जो फोर्स आएगा वो होगा F इंटू वन प्लस वन बाई टू रूट टू। तो ये एफ एक्स और एफ वाई दोनों फोर्सेस मिल गया। अब क्या होगा, अब जो होगा कि इन दोनों फोर्स का हम ऐड कर लेंगे वेक्टर एडिशन की तरह, एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, और ये जो फोर्स है ये है इन क्यू चार्जेस के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स। तो ये रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा कि देखो इन दोनों सेम है तो हम लिख सकते हैं कि ये एफ स्क्वायर वन प्लस वन बाई टू रूट टू इसका स्क्वायर प्लस सेम टर्म, तो मतलब इसको दो गुना कर लेंगे तो यह जाएगा रूट की बाहर f इंटू वन प्लस वन बाई टू रूट टू, और टू रूट का बाहर आएगा तो ये बन जाएगा रूट टू। तो टोटल फोर्स जो हो गया वो हो गया f इंटू रूट टू प्लस हाफ। तो ये होगा हमारा रिजल्टेंट फोर्स अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो ये था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और इस प्रिंसिपल का एप्लीकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।